आज की इस वीडियो में हम पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में पे बैक पीरियड के बारे में पढ़ा था कि पे पीरियड ऐसा टाइम पीरियड होता है या ऐसा अरसा होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट करती है उ, उस इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो रिकवर हो जाता है मतलब इनिशियल आउटले जितने टाइम पीरियड में रिकवर होता है उस टाइम पीरियड को हम पे बैक पीरियड कहते हैं और ये किस होता होता है ये की शकल में रिकवर होता है ये की में अब जैसा हमारे पास एक है है जिसे हम कहते हैं Bego Company. Bego Company ने investment की है, लाख रुपए की बीगो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है और बीगो कंपनी एजू, कर रही है या बीगो कंपनी ने जो ये एक लाख रुपए रिकवर करने हैं वो हम एज्यूम करते हैं कि वो पांच सालों में ये एक लाख रुपए रिकवर करेगी तो ये जो पांच साल हैं, जिनमें इसने एक लाख रुपए रिकवर करने हैं ये बीगो लिमिटेड कंपनी के लिए एक उसका पे बैक पीरियड है इसी तरह अब अगर हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की बात करें तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी वही अरसा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट का पैसा ऑर्गेनाइजेशन ने रिकवर करना है लेकिन इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या है कि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बेसिस पे ये जो टाइम है इसको कैलकुलेट किया जाता है लेकिन नॉर्मल पे बैक पीरियड में नॉर्मल जो प्रॉफिट आया है उसकी बेसिस पे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है अब अगर लेट सपोज हम बात करें कि डिफरेंट टाइप के कैश फ्लोज आ रहे हैं बीगो कंपनी के ईयर वन में थर्टी थाउजेंड में फोर्टी

टू बी चूजन फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड फॉर इन्वेस्टमेंट कैल्कुलेट करें पे बैकियड और सिलेक्ट करें कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज किया जाए प्रोजेक्ट ए और बी में से जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए दूसरी रिक्वायरमेंट है की कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट बी सिर्फ प्रोजेक्ट बी के लिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है

रुपए की स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर मतलब ये जो भी प्लांट है या मशीनरी है है इसकी वैल्यू जो है, इस प्रोजेक्ट के एंड मतलब और एनुअल कैश क्लोज हर साल जो कैश क्लोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे थ्री जीरो फोर्टी थाउजेंड है कि ये 50,

फर्दर मोर कंपनी है जो इंटरेस्ट रेट है वो टेन परसेंट एनुअल रेट है अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन तो रिक्वायरमेंट वन के मुताबिक हमने क्या करना है रिक्वायरमेंट वन के मुताबिक हम लोगों ने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है फ्रॉड प्रोजेक्ट ए सॉरी फॉर प्रोजेक्ट बी हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे जिस तरह हम अपने नॉर्मल कैश फ्लोज के लिए टेबल बनाते हैं इसी तरह हम यहाँ पे भी अपना एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर्स कि हमारे पास कितने ईयर हैं तो हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास पांच ईयर हैं और ईयर जीरो पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है इसी तरह स्क्रैप वैल्यू जो एट द एंड ऑफ ईयर फाइव आएगी तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम अब अपने टेबल में क्या करेंगे कि कैश फ्लोज का भी जो कॉलम है उसको भी हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमने कैश लोस के कॉलम को भी ऐड कर लिया ऊपर कैश फ्लोज हम देख लेते हैं कि कैश फ्लोस कितने हैं अब हम चाहे तो इसको फिफ्टी थाउजेंड करके लिखें या फिफ्टी करके लिखें और या चाहें तो आ, मतलब फिफ्टी भी लिख सकते हैं और फिफ्टी थाउजेंड भी लिख सकते हैं तो जिस तरह तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि फिफ्टी और ऊपर तीन जीरो हम डाल देंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये हम लोग ट्रिपल जीरो में वर्किंग कर रहे हैं तो यहां पे भी हमने रुपीज पे ट्रिपल जीरो लिख दिया तो अब हमारे पास कैश लोज थे उन कैश लोज को हम यहां लिख दे देंगे जो फिफ्टी फोर्टी थर्टी ट्वेंटी और ट्वेंटी थे लेकिन अब ईयर फाइव के लिए हमें इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि ये जो कैश फ्लो है ट्वेंटी का इसके साथ टेन थाउजेंड का स्क्रैप वैल्यू भी आएगा एंड फाइव पे तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हम इस ट्वेंटी में टेन थाउजेंड को भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर कैश फ्लो आ जाए जो कि पांचवें साल का है अब हमने नॉर्मल पे बैक पीरियड में क्या करना होता है हमने इसके कम्युलेटिव कैश फ्लो को फाइंड कर लेना होता है तो यहाँ अब हम कम्युलेटिव कैश फ्लो किस तरह फाइंड करेंगे कि सबसे पहले ईयर जीरो पे जो हमारे पास कैश फ्लो है वो है हंड्रेड हंड्रेड था का क्योंकि ऊपर हमारे पास ट्रिपल जीरो भी है तो हंड्रेड थाउजेंड में से जब हम सेकेंड फर्स्ट ईयर में आएंगे तो अब हमने क्या करना है कि इस हंड्रेड में से फिफ्टी को लेस कर देना है तो जब हमने हंड्रेड में से फिफ्टी को लेस किया तो नेक्स्ट ईयर को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास फिफ्टी रुपीज गए सॉरी फिफ्टी थाउजेंड गए अब क्या करना है कि अब इस फिफ्टी थाउजेंड में से फोर्टी थाउजेंड को लेस करना है तो हमारे पास आ जाएंगे टेन

10 है इसको डिवाइड कर देना है 30 पे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मंथ्स हैं अब ये जो 1 है ये ईयर है इसी तरह जो 2 है वो भी ईयर है लेकिन जो थ्री है वो हमारे पास आ गया मंथ्स क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट है उसने कवर नहीं किए कैश लोस तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दो अब हमारे पास कितने ईयर्स आगे टोटल हमारे पास आगे दो साल और उसमें ये चंद महीने तो हमारे पास टोटल ईयर्स कितने आगे पे बैक पीरियड कितना आ गया टू पॉइंट थ्री थ्री का तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट कर लिया अब यहाँ पे तो हमने पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट कर लिया लेकिन साथ ही हमें दूसरी एक और रिक्वायरमेंट भी थी कि प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में से कौन सी इन्वेस्टमेंट पे हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट पे हमने, हमने पैसा लगाना है कंपनी ने तो यहाँ पे अब एक देख लेते हैं कि ए प्रोजेक्ट बी का जो पे बैक पीरियड आया है वो आया है टू पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स और जो पे बैक प्रोजेक्ट ए के लिए दिया गया है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो है थ्री इयर्स का तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि जो पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट बी के लिए है वो है थ्री इयर्स। तो अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास ये दो पे बैक पीरियड आगे दोनों प्रोजेक्ट के तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट के पे बैक पीरियड हमें गिवन है जो कि एक 2.33 पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स है और एक थ्री ईयर्स है अब ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रोजेक्ट चूज करना होता है जो उसे इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर करके दे जिसका पे बैक पीरियड कम हो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट को चूज करती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट बी है उसका पे बैक पीरियड टू पॉइंट थ्री थ्री ईयरस है जबकि प्रोजेक्ट ए का जो टाइम पीरियड पे बैक पीरियड है वो है थ्री ईयर्स तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि प्रोजेक्ट बी को चूज कर लेगी अपना एज प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बी में क्या कर देगी इन्वेस्टमेंट कर देगी तो ये हमारी कंप्लीट हो गई रिक्वायरमेंट वन अब रिक्वायरमेंट टू हमें रिक्वायरमेंट बी में हम क्या कहते हैं कि कैलकुलेट करें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट बी अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं तो अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए भी हम एक्जेक्टली वही इयर्स और वही कैश फ्लो ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं ईयर्स और इन्हीं कैश फ्लोज को यहाँ पे हमने लिख लिया जो हमें ऊपर गिवन थे और कैश फ्लोज में हम उसी तरह ईयर जीरो पे माइनस वन हंड्रेड लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज ट्रिपल जीरो ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो रुपीज हैं ये थाउजेंड्स में हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे इर्स और उनके कैश आ गए अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हमने क्या कहा था कि इन कैश फ्लोज को हमने डिस्काउंट करना है तो इन कैश फ्लो को हम किस पे डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे जो टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन था कि ये टेन परसेंट एनुअल रेट है तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एक कॉलम एड कर दिया जिसमें हमारे पास टेन परसेंट का इंटरेस्ट uh, रेट है तो अब हम, हमने क्या कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला है वन प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर माइनस एन नंबर ऑफ इयर्स तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेन परसेंट का तो जब हमने टेन परसेंट टेन परसेंट क्योंकि टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड होता है तो जब हमने देखा तो हमारे पास आ गया जीरो पॉइंट वन और वन प्लस आर हम किस तरह करेंगे कि वन में प्लस कर देंगे ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो ये हमारे पास 1.1 आ जाएगा तो अब हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे इसको 1.1 पॉइंट वन रेज टू पावर माइनस जीरो करेंगे क्योंकि हमारे जो इयर्स हैं वो ईयर जीरो पे कैलकुलेट हो रहा है तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये वन आ गया इसी तरह नेक्स्ट ईयर भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर भी हमने इस वन पॉइंट वन को रेज टू पावर माइनस वन कर देना है तो ये हमारे पास जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया इसी तरह हम हर साल के लिए उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास पांचों सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट हो गया अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, को मल्टीप्लाई कर देंगे कैश फ्लोज के साथ तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोस आ जाएंगे इसी तरह हम हर साल के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लोस को फाइंड कर लेंगे अब जैसे हमने पहले किया था कि कम्युलेटिव कैश फ्लोज को हमने इकट्ठा कर करके कैलकुलेट किया था अब यहां पे भी हम इसी तरह कम्युलेटिव कैश फ्लोज फाइंड करेंगे सिर्फ एक डिफरेंस के साथ कि पहले जो कैश फ्लोज़ थे वो नॉर्मल थे लेकिन अब कैश फ्लोज़ जो हैं वो डिस्काउंटेड हैं अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि इस नेक्स्ट में हंड्रेड में से माइनस कर देंगे अगली साल की कैश फ्लो तो हमारे पास जो कम्युलेटिव कैश फ्लो बच जाएगी वो बच जाएगी फिफ्टी फोर थाउजेंड फिफ्टी फोर हंड्रेड रुपीज की क्योंकि ये भी तमाम जो कैश फ्लो हैं ये रुपीज ट्रिपल जीरो में मतलब थाउजेंड्स में है नेक्स्ट ईयर के लिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए हम इस कैश फ्लो में से जो हमारे पास अवेलेबल कैश फ्लो है इसमें से अपने आने वाले जो ये टू में आने वाले कैश फ्लो हैं उनको लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कैम्यूलेटिव कितने कैश फ्लो बच गए हैं इसी तरह हर साल के लिए हम कैम्यूलेटिव कैश फ्लोज को फाइंड कर लेंगे अब यहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल अवेले जो बैलेंस है वो है ट्वेंटी का और यहाँ पे जो बैलेंस चाहिए जो आएगा वो आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव थ्री मतलब इन दोनों के दरमियान जो है अब वो डिफरेंस है और वो डिफरेंस आएगा नेगेटिव तो हम इसको नेगेटिव लिखने की बजाय जिसे हमने पहले किया था कि ये पहला साल हो गया ये दूसरा साल हो गया और यहाँ पर जो तीसरे साल में हमारे पास कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे जिसे हमने पहले देखा था कि डिस्काउंटेड थाउंटेडिव कैश लोस को हम डिवाइड कर देंगे उसके आने वाले जो जो कैश हैं हमने रिकवर करने हैं कैश लॉस उनके साथ तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जीरो तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वन क्या है ये वन भी हमारे पास ईयर है ये टू भी हमारे पास ईयर है लेकिन थर्ड पे ये हमारे पास मंथस है तो अब हमने देखा कि हमारे पास पे पे पीरियड प्रोजेक्ट बी का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या आ गया इन तीनों को ऐड करके हमारे पास डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ गया जो आ गया 3.95 इयर्स का तो इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रेजेंट वैल्यूज पे या डिस्काउंटेड कैश फ्लोस पे चले तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट बी से 3 में जो पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के एक लाख रुपए वो रिकवर होंगे तो इस इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम पे पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं पे बैक पीरियड में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं और हमने प्रोजेक्ट बी के लिए मिकी लिमिटेड कंपनी के लिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट किया